Hi guys, welcome back to Classroom Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide for today's class, and today we're going to discuss the most awaited video, that is the economy. That's frankly says the economy. आपने कहा economy में हमें पढ़ना क्या है? What is all about economy? So this lecture, this video lecture is all about the most important questions for economic paper B.Ed students. आपने कहा B.Ed के students हैं, paper आने वाले हैं, and we have been worried about the economic. Questions, कौन से क्वेश्चन हमें इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर करने सो व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग ऑफ इकोनॉमी आपने टीचो इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चन हमें ऑन टिप होने चाहिए There are certain questions that we need to prepare. That's not very much, but here are the four distinct parts. चार अलग अलग पार्ट्स में हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करने यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री और यूनिट फोर एज इज द मेन पेपर यू नीड टू वर्क ऑन द सर्टेन हाफ जहां पे हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा हर यूनिट में इसका बोलते हैं शॉर्ट नोट जो प्रिपेयर करना है पेपर में आंसर की लिमिट क्या होनी चाहिए दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर हाउ टू अटेंड बीएड पेपर आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं दोज हैव नॉट सब्सक्राइब एंड टिल नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस रियली इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू शेयर विद अदर्स सो लेट्स स्टार्ट द क्लास यहां पे कुछ चीजें दिमाग रखते हैं The first unit, the very first question you have on typology, that is discuss the place of economy. I repeat, discuss the place of economy in school curriculum. School curriculum में economics का क्या play है, क्या role है, वो उसके objectives क्या है at the secondary stage. At the secondary stage of education. तो आपका पहला question हो गया, discuss the role of economy in school education and what's its role in the secondary stage of economy. और एजुकेशन तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए वी मस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर श्योर आगे आते हैं नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी याद रखना ये वो क्वेश्चन है जो बीएड स्टूडेंट को ऑन टिप होना चाहिए बाय एनी हाउ यू नीड टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन द ब्लूम टैक्सोनॉमी इसके लिए अगर आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ नहीं है तो गो टू माई प्ले लिस्ट वहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में समझाया हुआ है वहां जाके आप देख सकते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी वो वर्कआउट करने आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना मत भूलिएगा जंप अप टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मिलर अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स राइट ऑन द मिलर अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म द मस्ट क्वेश्चन कि आपने कहा सर हमें मिलर की अप्रोच बतानी राइटिंग अप्रोच इन बिहेवियर टर्म तो तीन क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक फर्स्ट यूनिट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दैट इज सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अगर हम प्रिपेयर करते हैं पेपर सोशल साइंस का या पेपर कॉमर्स का वहां भी बोलता दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आरसीईएम अप्रोच द आरसीईएम अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स लिमिटेशंस तो दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रहे हैं द ब्लूम टैक्सोनॉमी दूसरा है आरसीईएम अप्रोच अब आपने कहा सर ये पूरा पेपर में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है इस अप्रोच के साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी ऑन टिप चाहिए सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर यूनिट वन सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज शॉर्ट नोट आपने कहा शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लॉन्ग क्वेश्चन को इंप्रूव करते हैं तो सबसे पहले तो स्कोप ऑफ इकोनॉमी पहला शॉर्ट ना का स्कोप आई मस्ट स्कोप ऑफ इकोनॉमी नंबर टू राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स व्हाट डू मीन बाय राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैसे वर्कआउट करते हैं उसके चेंजेस क्या आते हैं किन चीजों को हमें करना है एंड देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमी इन स्कूल्स अगेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमी इन स्कूल्स तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा यूनिट वन से टीचिंग ऑफ इकोनॉमी से नाउ जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट द सेकंड यूनिट सो सेकंड यूनिट में क्या है व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन द सेकंड यूनिट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड यूनिट इज व्हाट इज पेडागॉजी पेडागॉजिकल एनालिसिस ऑन टिप चाहिए ये पेपर में आपको मिलेगा बिना किसी चीज को सोचे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है आपने यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन दैट इज पैडोलॉजिकल अब क्या है एनालिसिस क्या है कैसे डील करते हैं हमें सब आना चाहिए देन द नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट आउट दिस व्हाई शुड करिकुलम आई रिपीट व्हाई शुड करिकुलम ऑफ इकोनॉमी फ्रीक्वेंटली रिलाइज कह रहे जो इकोनॉमी का करिकुलम होना चाहिए वो टाइम टू टाइम रिवाइज क्यों होना चाहिए
Why should the curriculum of economy frequently revised? कई चीज़ चेंज आती हैं, कई अपडेट्स होते हैं, कई पॉलिसीज बदलती हैं, तो हमें उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। You have to explain this answer in a detail. Then the most important question, the lesson plan. So pedagogy या lesson plan से एक question confirm मिलना है हमने इसको करना ही करना है। That is the most important thing and we cannot avoid this question. Next one, the role of textbooks. The role of textbooks इसका आंसर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप तसल्ली से देख सकते हैं जाके। चेकआउट ऑल डिटेल्स वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स फॉर्म किया करो, दैट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन राइटिंग एग्जाम्स। ये हो गए हमारे यूनिट टू के लॉन्ग क्वेश्चंस। टाइम टू मूव ऑन टू द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट टू। द वेरी फर्स्ट ऑडियो वीडियो एड्स, व्हाट यू नो ऑडियो वीडियो एड्स क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमें आना चाहिए। Then next, comment on film strips. What is film strips? Economy में film strips का क्या रोल है, कैसे काम करते हैं, education film strips क्या रोल प्ले करती है। Then we have the charts. Exactly the use of charts. आपने सर use of charts in economy, हम use of charts की बात करते हैं, charts, tables, ये सब के साथ operation blackboard पढ़ा था आपने, वहां हमें बताया गया था कि important है, इनकी importance को बताया जाता है, highlight किया था। Then we have the use of computers in teaching economy. तो चार पॉइंट्स हो गए हमारे पास, हमने कहा चार्ट्स का यूज किया हमने, हमने ऑडियो वीडियो एड्स की बात की, हमने फिल्म स्ट्रिप्स की बात की, फिर हम बोले यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टीचिंग इकोनॉमी। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन एंड यूनिट टू। टाइम टू जंप अप टू द यूनिट थर्ड एंड देयर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमी। You need to give a complete detail of methods of teaching economy. Economy को पढ़ाने के लिए कौन-कौन से methods use होने चाहिए और उन्हें कैसे वापस कर सकते हैं? That is really very important. Time to move to the next question. That is what is problem solving. What is problem solving? Discuss its various steps. जब economy की बात करते हैं, problem solving की बात करते हैं। और जब problem solving की बात करते हैं, हम उसके सारे के सारे steps mention करने, we have to mention each and every steps in details. Time to jump to the next question, the third one, that what is a project method. अब ये question हमें आना चाहिए, project method क्या है और उसके benefits और limitations. Project method क्या है, उसके benefits और limitation, that what is a project method and what are the benefits and limitation of project method. ये हमें explain करना पड़ेगा, we have to explain this point. Time to move on to the next question, that is none other than short notes. Short note में दो ही short note करेंगे हम। The very first is division method. What is division method? And the second one is teaching plan. What is a teaching plan? आप बोलते हो micro plan, macro plan? No, I'm talking about teaching plan. वो आपने बताना है कौन सा plan होगा। It's your job to explain. The question would come to define teaching plan. क्या है, हो सकता है टेक्निकल लाइन ऑफ इकोनॉमी आ जाए, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे, किस तरह आंसर लिखना है। याद रखेंगे आंसर को फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टू जंप अप टू द लास्ट यूनिट, दैट्स ट्रू, द लास्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमी, द टीचिंग ऑफ इकोनॉमी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट डिफाइन इवैल्यूएशन। डिफाइन इवैल्यूएशन याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, पर पक्का मिलेगा। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, दोनों के बीच में फर्क करना है आपको, बताना है कि डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट क्या है, डिस्टिंग्विश करेंगे, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। नेक्स्ट नंबर टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज advantages and disadvantages. तो merits और demerits हमें दोनों अच्छे से clear करेंगे. We have to mention that. Then time to move on to the next question. That is the importance of records and for evaluating students' performance. Get out. What is the importance of records for evaluating the student performance? तो records क्या हैं? कैसे रखे जाते हैं? किस तरह उनको use करते हैं? And what are the basic provisions? Then jump up to the last question of this video class. And that is the short note. First, unit test. Define unit test. क्या है unit test? क्या होते हैं? कैसे होते हैं? Changes बताने. Then there is an oral test. वो oral test क्या हैं? उनको highlight करना है, उनकी importance बताने, किस तरह plan किया जाते हैं. And the last importance of test in teaching.
देखो नॉर्मली तीनों ही टेस्ट पे दे, whether it's a unit, whether it's the oral, or whether it's the importance of test in teaching. Hope you people clear all these questions very soon, because these questions are the most important question for teaching of economy paper. These are videos for the students of BA, especially for Kurukshetra University, Chaudhary Charan Singh, or Devi Lal University, or Maharishi Dayanand University. Hame yahan pe in universities ke students ke liye video class bahut important hai. With the other university students, those are working for BA, agar unka course content bhi milta hai, inse aap match kar sakte hain, so these questions you must not avoid. Catch you very soon with a new video. Till then, do subscribe and share the video with other people so they too can get the benefit. Bye guys.